मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कोरोना के संबंध में विश्व स्तरीय रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो गया है कि कोरोना को इंडियन वेरिएंट बताकर भ्रम फैलाने के लिए कांग्रेस और उसका शीर्ष नेतृत्व दोषी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, मंदिर मंदिर खेलने वालों को अब सद्बुद्धि आ जानी चाहिए। उन्होंने कहा, कोरोना के संबंध में विश्व स्तरीय रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो गया कि कोरोना को इंडियन वेरिएंट बताकर भ्रम फैलाने के लिए कांग्रेस और उसका शीर्ष नेतृत्व दोषी है। सनसनी फैलाने और छपने के लिए पहले बयान देते हैं, फिर पलट जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा लौटना ना पड़ जाए। मिश्रा ने कहा, सरकार कोरोना की तीसरी लहर को लेकर पूरी तरह से सजग है, युद्ध स्तर पर तैयारियां कर ली गई हैं, आशंकित और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हनी ट्रैप के मामले पर उन्होंने कहा, कमलनाथ संवैधानिक पद पर हैं, उन्हें एसआईटी की मदद करनी चाहिए और पेन ड्राइव जमा करानी चाहिए। आपकी बात अगर वो सुन लें कहीं, जिन्होंने इंडियन वेरिएंट कहा था, भारतीय कोरोना कहा था, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। वैसे मंदिर मंदिर खेल तो रहे हैं वो, शायद आ जाए कि अब तो दो शक्तियों ने कह दिया विश्व की, और चीन के ऊपर क्वेश्चन मार्क चेक रिमार्क लग भी गया। अब उन्हें सोचना चाहिए, जो इंडियन वेरिएंट बता रहे थे इसको दोषी ठहराते थे, इन दो रिपोर्टों के बाद में तो लगता है कि कांग्रेस ही दोषी है भ्रम फैलाने के लिए और उसके नेता। हाँ, वो ठीक है, कमलनाथ जी लौट रहे हैं, ऐसा कांग्रेस का ट्वीट है। कितना सही ट्वीट है, देखो तो पेन ड्राइव से लौट गए, वो 1 लाख मौतों से लौट गए, वो भारत बदनाम से लौट गए, लौटे कि नहीं लौटे, कर्जा माफी से लौट गए, बेरोजगारी नौजवान को भत्ता देने से लौट गए, अब इतना ज्यादा लौट गए कि लौट ही ना जाए। मेरी तो प्रार्थना है कि आपकी उम्र भले लौटने की हो गई हो, लेकिन आप अब वाणी में स्थिरता लाओ, ऐसी बातें मत बोलो जिनसे कि छपने के कारण से या सनसनी फैलाने के लिए आप बोल देते हो कि मेरे पास पेन ड्राइव है, फिर कहते हो कि नहीं मेरे पास क्या सबके पास है, और सबके पास है तो आप नाम बता दो किस किस के पास है, आपको मालूम है ना किस किस के पास है, तो उन्हीं के नाम बता दो अब, या फिर कल इससे भी लौटोगे और फिर उन्हें ट्वीट करना पड़ेगा लौट रहे हैं कमलनाथ। आप पिछले हफ्ते के उनके ट्वीट तो देखिए, उनकी भाषा शैली तो देखिए, उनका बोलने का तो देखिए, 1 लाख से ज्यादा मौतें हो गई। मैंने उसी दिन कहा कि सिद्ध करो, इस्तीफा दो, नहीं मैं देता हूं, आज तक जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन फिर उन्होंने इसी तरह की बात कर दी कि मेरे पास में है कि पेन ड्राइव, अब कह रहे नहीं मेरे पास क्या सबके पास है, मैंने तो सबके पास सुनी सुनी कही थी। एक कमलनाथ जी, आप नेता प्रतिपक्ष हो और मैं संसदीय कार्य मंत्री हूँ, आप भी विधायक हो, मैं भी विधायक, सरकार पूरी तरह से चैतन्य है तीसरी लहर को लेकर के, पूरी तैयारी मध्य प्रदेश की सरकार ने की हुई है, और इसी लिए किसी को चिंता डरने या अज्ञात आशंका में आने की आवश्यकता मैं नहीं मानता कि है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।